तुम्हें आना होगा मेरे साथ। हमारी अभी अभी शादी हुई है। नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। रोशनी नमस्कार। सावधान इंडिया 100 फाइट बैक्स की इस महामूवी में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। 100 फाइट बैक्स की हमारी ये खास सीरीज आज अपने अंतिम पड़ाव तक पहुंच चुकी है। जुर्म से जंग के इस सफर में हमने वारदात की एक से बढ़कर एक खतरनाक साजिशों को बेनकाब किया, एक से बढ़कर एक शातिर गुनहगारों को बेपर्दा किया और अपराध से डटकर मुकाबला करती एक से बढ़कर एक ऐसी कहानियां आप तक पहुंचाई जिन्होंने अपराधियों की कमर तोड़ दी। पर जुर्म और उससे जुड़ी साजिश के इस आखिरी पड़ाव पर जो जंग हम आपके सामने लेकर आए हैं उसे देखकर आप यकीनन दंग रह जाएंगे। मेरा नाम रोशनी नहीं, संध्या है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये घटना, ये वारदात और ये जंग आपको आखिरी लम्हे तक ये सोचने को मजबूर करती रहेगी कि क्या सच में ऐसा हो। मेरे चेहरे का क्या हो गया? ये जो दिखती है ना वो है नहीं। क्या सच में ऐसा हो सकता है? Who are you? मैं तुम्हारा पति सागर। अपनी जिंदगी में झांकने की कोशिश कर। संध्या, मेरा हाथ जल रहा है। गर्जनम, यकीन मानिए ये सच में हुआ। तुम्हें आना होगा, तुम्हारा वक्त आ गया है। तुम क्यों आई हो? मुझे तुम्हारी जगह चाहिए। नहीं, तुम हमारी जगह नहीं ले सकती। तुम्हारे पास वक्त ही कितना है? हमारी अभी अभी शादी हुई है, हम सागर को छोड़कर ऐसे नहीं जा सकते। तुम्हें जाना होगा, तुम अपने वादे से नहीं मुकर सकते। तुम्हारा वक्त आ गया है। तुम हमारी जगह नहीं ले सकती। अब ये तुम्हारी जगह नहीं है। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। तुम अपने वादे से नहीं मुकर सकती। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते, हम नहीं आ सकते। अरे वो लड़की को दौरे पड़ते हैं, दौरे। हम तो पहले ही कहे थे, एक तो अनपढ़ और ऊपर से अब ई। चुप कर। एक तो हमारे घर में नई नवेली दुल्हनिया आई है, उसे अच्छे से परिचय करने के बजाय उसका तिरस्कार कर रही हो, हैं? अरे हम पूछ रहे हैं, क्या कमी है वहां में? बाबूजी, वो अनपढ़ है और हम एक वकील। भला ये रिश्ता कैसे हो सकता है बाबूजी? हम तुम दोनों को एक बात समझाई देते हैं। रोशनी के पिता को हमने जुबान दी थी कि उनकी बेटी को हमारे घर में बेटी की तरह पालेंगे और तुम दोनों समझ लोगे ना तो ये बेहतर होगा। देखो बसुआ, जब तुम दोनों छोटे से थे ना तब हमने तुम दोनों की शादी बनाई थी। उसके पापा उसे पढ़ा नहीं पाए हैं और तुम पढ़ लिख करके वकील बाबू बन गए, तो उसमें उसका क्या कसूर? देखो बेटे, एक बार निभाओगे ना तो जिंदगी भर आराम से निपटी जाएगी। का समझे? जी बाबूजी। जी बाबूजी। अरे कहे थे हम, हमारी भाभी की भतीजी से शादी करा दो। पूरी 10वीं तक पढ़ी थी वो, मगर ये जिद पर अड़े रहे। अरे भुगतो, ये लड़की को तो कलम तक उठानी ना आते। अरे रे, हमको माफ कर दीजिए, हमने सब सुन लिया था कि आपको पढ़ी लिखी लड़की चाहिए थी, लेकिन अब हम क्या करें? अगर हमारे माँ बाप ने हमको नहीं पढ़ाया तो आप बस अपने कदमों में हमको जगह दे दीजिए। आप जैसा चाहेंगे हम वैसे ही रहेंगे, लेकिन हमें मत पिसराइए। उठो, अरे मैंने कहा उठो। उठो। Thank you.
क्या हो? आप हमें अपना लीजिए, हम आपकी दासी बनकर रहेंगे। अपनी आंखें तो खोल। पहले कहिए कि आपने हमें अपना लिया। अच्छा बाबा, हमने तुम्हें अपना लिया, अब तो आगे खोलो। ये है पेन, पकड़ो इसको। ठीक है, पकड़ो। देखो अंगूठे और उंगली के बीच में। हाँ, इसको ऐसे एक और डंडी, इसे कहते हैं ए। बोलो ए। ए नहीं, ए। ए। बोलो ए। ए। ए नहीं बाबा, ए। थोड़ी हमसे नहीं होगा ये सर। अरे भाई, पढ़ना लिखना नहीं सीखोगी तो दूसरी लड़कियों की तरह अंग्रेजी कैसे बोलोगी? उनकी बराबरी करनी है कि नहीं? अरे अंग्रेजी पढ़ाकर इसको कौन सा देश का प्रधानमंत्री बनाना है? अरे करेगी तो हमारी तरह घर गृहस्थी ही ना। चल बाहर भेज इसे, घर का इतना काम पड़ा है। अब जरा वो भूसा की बोरी उठा के आंगन में रख दे, जल्दी कर। हाँ, तुम्हें आना होगा, तुम्हें आना होगा मेरे साथ। नहीं, तुम मेरी जगह नहीं ले सकती, नहीं ले सकती तुम मेरी जगह। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, तुम अपने वादे से नहीं मुकर सकती। मुझे मजबूर मत करो। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, तुम्हें आना होगा, तुम्हें आना होगा मेरे पास। नहीं, मैं नहीं आ सकती। तुम्हें आना होगा। नहीं आ सकती। रोशनी, रोशनी क्या हुआ? रोशनी तुम नींद में किसी से बातें कर रही थी? हाँ देख तो, किससे बातें कर रही हो? हम तो कब से कहे जा रहे हैं कि लड़की माँ खोट है, उसको दौरे पड़ते हैं, पर हम भी कोई सुने तब ना। सागर बेटे, भौरिया को उसके घर घुमाला, अपने माँ बाप से मिलेगी, सखी सहेलियों से मिलेगी, उसका मूड फ्रेश हो जाएगा।
जी बाबूजी। पर देख, होली से पहले ले आना, समझे हो? ठीक है अम्मा। अरे रुको ना, रुको ना। हाँ। हमें चाय पीने का मन कर रहा है। चलो चाय पीते हैं। अच्छा, अरे भैया दो चाय दीजिए। कितनी बारिश हो रही थी। मुझे तो बड़ा मजा आया। हमें भी। तुम्हें जाना होगा, तुम्हारा वक्त आ गया है। मैं नहीं आ सकती, तुम्हें आना होगा। ओहो, क्या कर रही हो? और नहीं तो क्या, हम यहाँ बैठे और पता नहीं आपका ध्यान कहाँ है। दो लीजिए। देखिए हम जीत गए आपसे। पहले खत्म कर लिया है। ये पकड़ो, बाइक लेके आता हूँ। ठीक है। क्या कर रहे हो? हाँ जाओ यहां से, जाओ भी। रोशनी कौन था? कोई भी तो नहीं। छोड़िए ना, जाने दीजिए, चलें। रोशनी क्या हुआ, इतनी चुपचाप क्यों बैठी हो? अभी तो इतनी खुश थी तुम। रोशनी, रोशनी क्या हुआ? रुको रुको। क्या हुआ रोशनी? अरे अभी तो इतनी खुश थी, एकदम से क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं, वापस चलते हैं ना। वापस? रोशनी तुम्हारा घर पास ही है, घर आ ही गया बस। वो याद है, माँ ने कहा था ना कि होली से पहले आ जाना, और वैसे भी शादी के बाद हमारी पहली होली है ना, और होली की पूजा नई बहू करती है, तो घर चलते हैं ना। ठीक है, चलते हैं। अब माँ ने बोला है तो जाना पड़ेगा ही। आखिर क्या हो रहा था रोशनी के साथ? नींद में उसका किसी और से बात करना कोई साधारण बात नहीं थी। उसकी यह हैरान कर देने वाली हरकत सागर पहले भी महसूस कर चुका था, और अब उसकी मायके ना जाने की जिद उसे और परेशान कर रही थी। हर नवविवाहिता की लालसा होती है अपने माता पिता से मिलने की, तो फिर आखिर क्यों अपने मायके पहुंचने से पहले ही आधे रास्ते से वापस लौट जाना चाहती थी रोशनी? कौन था वो लड़का जिसे देखकर वो एकदम घबरा गई? उसकी असलियत उसने सागर से क्यों छिपाई? ये बातें सागर को बेहद परेशान कर रही थी। आखिर उस होलिका में ऐसा कौन सा राज छिपा था कि अपने मायके की दहलीज तक पहुंचने से पहले ही रोशनी के कदम वापस मुड़ गए? अरे काशी, तेरी बहू कहाँ है? अरे सागर बिटवा। हाँ माँ। बिटवा धनी की तरह। बोलो माँ। जरा अंदर जाके बहुरिया को ले वाला। अच्छा हा? अच्छा माँ। और सुन, जल्दी आना। हाँ माँ। तुम फिर आ गई? हाँ, मैं तुम्हें लेने आई। हम नहीं आ सकते तुम्हारे पास, तुम्हें आना होगा। मुझे तुम्हारी जगह लेनी है, तुम हमारी जगह नहीं ले सकती। हम सागर को छोड़कर तुम्हारे पास नहीं आ सकते। अब तुम्हारा वक्त आ गया है रोशनी, ये जगह मेरी है, तुम्हें अपनी इस जगह को छोड़कर आना ही होगा।
क्या वो किससे बातें कर रही है? किसी से भी तो नहीं। देखो रोशनी, हम एक बात तुम्हें बताना चाहते हैं कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, इतना कि तुम्हारे बिना कुछ सोच समझ नहीं सकते, नहीं जी पाएंगे तुम्हारे बिना। हम जानते हैं ये बात, इसलिए डरते हैं कि हमारे बाद आपका क्या होगा। ऐसी बातें क्यों कर रही है? सागर, वो ई देखो, अरे हम तुमका भेजे रहे ई को बुलाने की खातिर, और तुम और ई महारानी, अरे इनका तो जादू टोना खत्म ही नहीं होते। अरे हमरा बिटवा को पूरा का पूरा तो कब्जा में कर लिए हो, अरे अब का पूरा निगल कर ही दम लोगी? अरे अम्मा कैसी बातें कर रही हैं? तू चुप कर, अब चलोगी महारानी जी? बाहर तुम्हारा इंतजार हो रहा है। आ रहे हैं, बाहर आ जा। बाबूजी आगे नहीं पकड़ रही है। बेटे लकड़ियां गीली होंगी। अरे बाबूजी एक महीने से मुंडेर पर कड़ी धूप में सुखा रहे हैं, गीली कैसे रहेगी? वापस कोशिश कर। अरे कितनी देर लगा दी आप लोगों ने। क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं? देखो तुम्हें ठीक नहीं लग रहा है तो लेने दो ये सब। ठीक है। अरे तुम्हारी बीवी कोई रुई की गुड़िया नहीं है, चलो। अरे माँ जब इसकी तबीयत ठीक नहीं है तो ये सब करने का क्या फायदा? सागर बेटे हमारे यहाँ की परंपरा रही है कि होली की पूजा नई बहू ही करती है। हाँ बहू ठीक कह रहे हैं। क्या हुआ कौशिक? हाँ कौशिक, दिल का दौरा पड़ने की वजह से शी इज नो मोर। मैं डेथ सर्टिफिकेट बना देता हूं, उसके बाद आप लोग बाकी कार्रवाई कर लीजिए।
रघु बेटा, रोशनी के पिताजी को खबर पहुंचा दे कि ऐसा हादसा हो गया है। Just get out of my room! बहू कैसे? क्या? Please don't touch! ये कैसे हो सकता है? आधे घंटे पहले इसकी पल्स नहीं थी और हार्ट बीट भी बंद थी। मैं तुम्हारा पति सागर। लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानती। ऑलराइट। और क्या तुमने ये रोशनी रोशनी के रट लगा रखी है? मेरा नाम संध्या है। संध्या है मेरा नाम। संध्या, ये तू क्या बोल रही है बहू? और आप लोग कौन है? और मुझे यहाँ क्यों लाए गए? मुझे मेरे घर जाना है। ये तुम्हारा ससुराल है बहू, ससुराल। वाशी? हैरानी की इससे बड़ी हद क्या हो सकती है। रोशनी को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया था, बावजूद इसके वो उठ खड़ी हुई, मानो कोई चमत्कार हो गया हो। लेकिन ये कैसा चमत्कार था जिसने रोशनी के वजूद को ही बदल कर रख दिया? अब रोशनी अपने परिवार को तो दूर, खुद को पहचानने से इनकार कर रही थी। वो खुद को संध्या बता रही थी और बार बार अपने घर वापस जाने की रट लगाई हुई थी। उसकी सांसें तो वापस आ गई थी, लेकिन अब उन पर संध्या का नाम लिखा था, रोशनी का नहीं। लेकिन आखिर कैसे चंद ही पलों में एक लड़की नई पहचान के साथ, नई हैरानी और नई परेशानी के साथ खड़ी थी? अरे हम तो कब से कहे जा रहे हैं कि इस लड़की को दौरे पड़ते हैं, पर हमरी कोई सुने तब ना। पर अभी नया तमाशा, अब तो ई महारानी नई नौटंकी शुरू कर दिए हैं। किसी को पहचानती ही नहीं है। अरे लाए थे सीधी सादी भोली बाली अनपढ़ गवार, और ई निकली पढ़ी लिखी मेम साहब। वो देखे ना ही कैसे अंग्रेजी में गिटरी पिटरी कर रही थी। वो क्या बोली थी? गेट आउट। और ई हमरे बेवकूफ महाराज चले थे उका अंग्रेजी सिखाने। अरे हम तो अब भी कह रहे हैं हमारे साथ जरूर कोई धोखा हुआ है। अरे ये जो दिखती है ना वो है नहीं, इसमें जरूर कोई कमी है, कोई तो गड़बड़ है जो इसके माँ बाप ने हमसे छुपाई है। क्या छुपाया, क्या धोखा दिया है? जो मुंह में आवे बोल देती है। अरे कभी तो सोच समझ के बात किया कर। पर बाबूजी हमें तो ये कोई और ही चक्कर दिखता है, जरूर कोई प्रेम सेम का चक्कर है। अब बताओ गौनाओ ब्याह में कुछ बखत होता है कि नहीं? अरे 12 साल में लड़की पढ़ लिख नहीं सकती का? है कोई और लड़का उसकी जिंदगी में नहीं आ सकता का? मुझे पता है कि मेरा घर कहाँ है। चुप, एकदम चुप। उस लड़के से तुम्हारा क्या वास्ता है? लड़का? कौन लड़का? ज़्यादा नाटक मत करो। उस दिन जब हम तुम्हारे घर जा रहे थे वो लड़का आके तुमसे मिला था, वो हीरो टाइप काला चश्मा लगा के। तुम क्या बोल रहे हो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। I can't understand why you people are behaving like this with me. देखो मैं तुम सबकी कंप्लेन कर दूंगी। रोशनी, रोशनी मेरी बात सुनो, मुझे सब सच सच बता दो, मेरा विश्वास करो। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई दूसरा लड़का? एक मिनट। सबसे पहली बात तो ये कि मैं रोशनी नहीं हूं, मैं संध्या हूं। तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? देख तुम्हें नहीं रहा है। आओ मेरे साथ, कम है, आओ मेरे साथ। मेरा हाथ। देखो देखो कौन हो तुम। ये मेरे चेहरे को क्या हो गया? स्टॉप इट, चुप चुप, स्टॉप इट। मुझे सब पता चल गया, हम मैं सब ठीक कर दूंगा। सुनो,
चलिए ना, मुझे मेरे घर जाना है। ऐसे मत जाओ, मेरी बात सुनो, मुझे मेरे घर छोड़ो, मेरी बात सुनो, मुझे मेरे घर जाना है। सुनो, मैं क्या ऐसे छोड़ मुझे मेरे घर जाना। कल ही मिला था यार, मुझे मालूम था रोशनी है, उसके बीच में कुछ चक्कर चल रहा है। चाय वाले से पूछते हैं। दादा हो रहा कौन ये? हाँ चाबी देख, इसकी मैं हीरोगिरी निकालता हूँ। क्या बे? बोल बे। हाँ बहुत हीरो बनता है तू। बोल 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 मुझसे पूछ। भाई साहब, भाई साहब, जिससे बहुत प्यार करते थे। जब भी किसी लड़की की आवाज सुनता है तो उसको लगता है कविता आ गई, और ये बात रोशनी जानती थी। एक पल के लिए सागर को लगा कि रोशनी ने उससे झूठ कहा था कि वो अनपढ़ है, और वो अपना कोई प्रेम प्रसंग छिपाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन हरीश की असलियत जानने के बाद उसे इस बात का यकीन हो गया कि हरीश का उसकी पत्नी के साथ कोई लेना देना नहीं था। लेकिन इस यकीन ने सागर के मन में कई नए सवाल पैदा कर दिए। जिस रोशनी से सागर की शादी हुई थी वो अनपढ़ थी, तो फिर अचानक इंग्लिश कैसे बोलने लगी? और रोशनी खुद को संध्या क्यों बता रही थी? आखिर सच क्या था? हमको तो पूरा विश्वास है कि ये लड़की माँ किसी का भूत प्रेत घुसाया है, और देखना अगर ऐसा ही हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे ना तो एक दिन ये हम सबका खा जाएगी। देखिए बहुत सुन चुके हम आपकी, अब चुप्पे चाप इसको इसके मायके छोड़ आइए। अब हुआ जाके ये अपना नाम कमला बताए, बिमला बताए या सुशीला, अरे हमें का मतलब। चुप रहो तुम, हर वक्त तपड़ करती रहती हो। अरे क्यों उस मासूम के पीछे पड़ी हो तुम? देखो हम तुम दोनों को समझा देते हैं। रोशनी के पिता को मैंने जुबान दी थी कि आपकी बेटी को हमारे घर में बेटी की तरह ही रखा जाएगा। ठीक है बाबूजी, पर पानी अब सर से निकलता जा रहा है। अम्मा ठीक कह रही है, इसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो किसी ओझा ओझा को दिखाकर इसका भूत उतारना पड़ेगा। चुप रहो तुम, भूत तुम दोनों के भेजे में घुस गया है। लेकिन बाबूजी अब चुप कर। देखो हम समझाई देते हैं, इस तरह की बेहुदा बातें इस घर में कभी नहीं होनी चाहिए। समझाई देते हैं हम। संध्या, मेरा नाम रोशनी नहीं संध्या है, कितनी बार बताना पड़ेगा तुम्हें? और ये पता नहीं यहां किसके कपड़े रखे हैं। मेरे पास कुछ अपना था नहीं, इसलिए पहन ली। रोशनी क्या हो गया तुम्हें? तुम क्या बोले जा रहे हो? रोशनी, रोशनी के व्यवहार में आया ये बदलाव सबको बेहद हैरान कर रहा था, खास करके सागर को। यहां हम एक बात साफ कर देना चाहते हैं कि सावधान इंडिया भूत प्रेत या तंत्र मंत्र की किसी भी विचारधारा का ना तो समर्थन करता है ना ही उसे प्रोत्साहन देता है। लेकिन एक आदर्श पति का धर्म निभाने वाला सागर अब धर्म संकट में था। रोशनी के व्यवहार में जो बदलाव आया था उसके सामने उसकी हिम्मत जवाब देने लगी थी, और आखिरकार परिवार के दबाव में आकर एक दिन उसने फैसला लेने की ठान ली थी। आर या पार? क्या चाहती हो तुम? मुझे मेरे फादर के पास जाना है। तुम्हें पता है तुम्हारी हरकत से तुम्हारे माता पिता पर क्या गुजरे, कितनी तकलीफ हो गई उन्हें? वो बेचारे बूढ़े किसान चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है कल ही तुम्हें बल्ले ले चलता हूं। बलिया? लेकिन बलिया क्यों?
सीलमपुर, वहां मेरी फैमिली रहती है और मेरे पापा कोई किसान वगैरह नहीं है, वो स्कूल मास्टर हैं वहां के हाई स्कूल में। वहां से मैंने हायर सेकेंडरी पास की है और उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीए। देखिए, अगर आप वहां नहीं जा सकते हैं ना, तो एटलीस्ट मेरा लेटर वहां तक पहुंचा दीजिए। आई एम श्योर मेरे पापा वो लेटर पढ़ के मुझे यहां लेने आ जाएंगे। ठीक है, लिखो अपने पापा को लेटर। इसे कहते हैं ए। ए। जो भी इस लेटर को लेकर जाने वाला है, मैंने उसके लिए मेरे घर का एड्रेस यहाँ लिख दिया। नमस्ते मास्टर जी। नमस्ते। आपका खत आया है। ओ, ठीक है। क्या भाई साहब, अब इतना घबराए हो क्या? ये हाथ पे क्या है? खत। खत? इसका खत? संध्या का। संध्या का? वही लिखाई, वही शब्द, वही भाषा। दरवाजा खोलो, कोई तो दरवाजा खोलो, मुझे घर जाना है। दरवाजा खोलो। तुम्हें अपने घर जाना है ना? हाँ, पर जाओ जाओ जाओ, दरवाजा खुला है, जाओ, चलो भागो यहां से, जाओ। अरे कोई नहीं रोकेगा तुम्हें, जाओ। कहाँ जा रही हो? मुझे मेरे घर जाना है। घर जाना है? चलो अंदर। अरे मेरा हाथ छोड़ो, लेकिन मेरा हाथ छोड़ो, मुझे सीलमपुर जाना है। अरे सागर, अरे जाने देना उसको, काहे रोक रहा है? बहुत हो गया तुम्हारे रोज रोज का तमाशा। एक बात ध्यान से सुन लो, तुम रोशनी हो, मैं तुम्हारा पति सागर। अगर तुम्हारी याददाश्त वापस ठिकाने पे आ गई है तो बात ठीक है, वरना ये बात अपने दिमाग में चिपका लो। दोबारा ये तमाशा किया ना, मुझसे बड़ा कोई। हाँ जी कहिए। देखिए, इस पते से हमें एक खत आया था मास्टर देवी प्रसाद त्रिपाठी के नाम से, और लिखने वाली संध्या थी। वैसा जी, आप कौन? जी मैं चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, मैं जानती थी क्या पाएंगे, आप मुझे लेने आए ना। अच्छा जी, मुझे यहां से ले चली। ये लोग नहीं समझ रहे कि मैं कौन हूं। आप इन लोगों को बताइए कि मैं कौन हूं, बताइए इन लोगों को। भाई साहब, आप इस लड़की को जानते हैं? नहीं, हम इन्हें नहीं जानते। चाचा जी, चाचा जी, मैं आपकी संध्या हूं, और शायद
शायद आप मुझे इसलिए नहीं पहचान रहे क्योंकि क्योंकि मेरा चेहरा बदल गया है। मेरा विश्वास कीजिए चाचा जी, मैं संध्या हूँ, वरना मैं आपको कैसे पहचानती। चाचा जी देखिए, आइंदा ऐसा मजाक हुआ तो हम हथकड़ियां लगवा देंगे सबको, समझे? भाई साहब, मजाक तो ऊपर वाले ने हमारे साथ किया है। चाचा जी नहीं, चाचा बहुत जी, हो गया तेरा। छोड़ो मुझे, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनिए, दरवाजा खोलिए। सागर बेटे। जी फिर अब फैसला तुम्हें ही करना है, लेकिन जो भी करो सोच समझ ही करना। जी भाई। ऐसा लग रहा था मानो रोशनी ने अपने जहन में कुछ काल्पनिक किरदारों को गढ़ा और फिर वो वास्तविकता में सामने आने लगे। वो लोग, वो नाम, वो मोहल्ला जिनका जिक्र रोशनी किया करती थी, एक एक करके सब नजरों के सामने आने लगे। लेकिन आखिर इसके पीछे का सच क्या था? किसी ऊपरी शय का असर या फिर रोशनी द्वारा किसी प्रेम प्रसंग को छिपाने की साजिश? ना तो कोई उसका यकीन कर रहा था, ना उसका साथ दे रहा था। अब फैसला बस सागर के हाथ में था।